गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फिर से ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। और आज हम लोग चार पाँच दिन से हम लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं 6:30 बजे। और ये तो पानी ही दे दिए हैं सारे पेड़ में। हम थोड़ा लेट उठे थे 15 मिनट, तो आज आपको हम लोग सुबह से ही दिखाएंगे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी नेहा टहल रही है और साथ में हम भी टहल रहे हैं ना। आज सुबह का बज रहा है 6:51 और सनलाइट बिल्कुल आ चुका है सिर पे। बहुत गर्मी है ना सुबह सुबह। और ये मेरा सारा ट्री जो कि पूर्णिया गए थे तो सूख गया था, इसको किसी तरह जीवित किए हैं। ये तो इतना बड़ा था, देखिए कितना छोटा हो गया। ये कितना बड़ा था, ये भी इतना छोटा हो गया। मनी प्लांट का जो ट्री था वो तो खत्म हो गया, तो अभी स्टार्ट हुआ है तो। और ये भी सूख गया था केला का। और कोको यहाँ आराम से बैठा हुआ है, सुबह सुबह नीचे ही था, अभी लेके आए हैं इसको भी। ये फैमिली तो अभी हम कपड़ा पसार रहे हैं और टहल लिए, देख सकते हैं पूरा भीज गया है टहल के। कपड़ा पसार लो, हम तो टहल ही रहे हैं अभी। तो क्या, और सनलाइट उस समय वहाँ था, अब यहाँ आ गया। हे गाइस, तो हम लोग का चाय बाय हो गया, अब हम लोग योगा कर रहे हैं और नेहा योगा भी कर रही है। पसीने पसीने, इतना ज़्यादा गर्मी है अभी। हाँ, तुम करो योगा, रुक क्यों जाती हो, वो लय टूट जाता ना। तुम करते रहो और हम भी यहाँ पे अभी कर रहे हैं 5 मिनट। एक्चुअली तबीयत खराब था मेरा, तो डॉक्टर ये भी बोले थे कि थोड़ा सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा कर ली। तो जैसा कि देखे टहल ही लिए थे और योगा भी कर रहे हैं। ये प्रोसेस 2-4-5 दिन से चल रहा है और बहुत अच्छा फील होता है। मतलब दिन भर बहुत अच्छा से, मतलब एनर्जेटिक रहता है एक्सरसाइज योगा करने में। ये तो है। थोड़ा सा हम लोग को वेट कम करना होगा क्योंकि मेरा भी बढ़ा हुआ है। मेरा भी 54 या ऐसे कुछ है और इनका भी कम करना है। तो सुबह हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं उठना 6:30 बजे, नहीं तो 11 की वजह से हम लोग भी सोए रहते थे। मतलब 7:30 या 8 बजे उठते थे आराम से, तो कुछ हो नहीं पाता था, बस उठते थे, ब्रश व्रश करके खाना बनाते थे। मतलब कोई भी रूटीन टाइम टेबल नहीं था हम लोग का, मतलब 11 के होने के बाद से ही, लेकिन उससे पहले हम लोग का ठीक था। और अब क्या, क्योंकि 11 हुई थी उससे पहले हम हमेशा योगा एक्सरसाइज करते ही थे, मेरा नियम था। तो अभी 11 भी उठ चुकी है और उठते ही बोली क्या बम्बम, क्या बोली 11 बम्बम बम्बम बोले, बम्बम बोले, मस्ती में डोले। रिमोट तोड़ दिया, नहीं चलेगा अब, पता नहीं मेरे टीवी का रिमोट आधा 11 आधा एक दिन उस दिन जो आया था साफ करने का, वो आधा तोड़ दिया जा। तो हम लोग का सुबह का नाश्ता, मतलब स्टार्टिंग नाश्ता इससे होता है, एप्पल और ये ड्राई फ्रूट्स। और मेरा भी यही है, बादाम तो आज फुलाए नहीं, बादाम तो फुलाए नहीं, भूल गए रात में फुलाना, तो अभी यही खाएंगे। उसके बाद दो रोटी खाते हैं नाश्ता में। अभी 9 बज रहा है, मैं 10 बजे तक तो बन जाएगा और 10 बजे फिर हम लोग 10:30 तक खाना नाश्ता कर लेते हैं, 10 से 10:30 के बीच में नाश्ता कर लेते हैं अब, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। फैमिली आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, मतलब आज पूरा भीग चुके हैं पसीना से। और अभी हम नाश्ता बना लिए हैं, मतलब बन ही गया है, रोटी और चावल बचा हुआ है। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाए हैं हम। सबसे पहले यहाँ बनाए हैं मसूर का घुघनी और यहाँ पे चावल के लिए पानी चढ़ाए हुए हैं और यहाँ आटा सना हुआ है, अभी रोटी बचा हुआ है बनाने। इसमें क्यारा का खिचड़ी चढ़ाए हैं क्योंकि आज शनिवार था, तो सोचे क्यारा के लिए खिचड़ी बना देते हैं। और यहाँ पे बैंगन आलू का सब्जी बना रहे हैं इनके टिफिन के लिए और चावल धोने के लिए रखा हुआ है। और ये है कढ़ी जो कि हम अपने लिए पकौड़ी वाला कढ़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये तो खाते नहीं हैं, इनको सादा पकौड़ी दे देंगे, तो
तो एक दो पीस खा लेंगे। बहुत दिन से मन कर रहा था हमको पकौड़ी मतलब कढ़ी खाने का, क्योंकि मेरा फेवरेट है और ये नहीं खाते तो हमको सिर्फ अपने लिए बनाना पड़ता है। क्या है के लिए तो खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि उसका भी कोई ठीक नहीं है खाए ना खाए। और अभी मेरा खाना कंप्लीट होने वाला, बस आधा घंटा में सारा खाना बन जाएगा। और अभी बजा है 9:30 और 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। आंटी गली धो रही है अभी। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, रोटी सब्जी हलवा भी बनाई आज खुशी में लगता है। नेहा जब खुश रहती है तो हलवा बनाती है, है ना? क्या रहा हलवा खाएगी? क्या रहा तो डांस कर रही है, डांस करो जल्दी डांस करो। रंगी चोला तेरा लाल रंगी चोला। देख सकते हैं यही है गैस का कनेक्शन और ये मीटर है और लग गया है ये पूरा। और अभी बाहर काम चल ही रहा है, पूरा घर गंदा हो गया था तो अभी नेहा पूरा वो कर रही है, इसका कपड़ा इसका कपड़ा इसका कपड़ा, और क्या रहा है यहाँ साइकिल से खेल रही है और पूरा काम नीचे हो रहा है। पीवीसी लगाइएगा क्या? लगा दीजिए, अभी पीवीसी भी लगाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे लगाने बोले होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे लगेगा ना, लगा दीजिए। और नेहा अभी कहाँ गई, कपड़ा धो रही है, क्या हो गया चेंज कर रही है क्या सब? हाँ अब डायरेक्ट गैस, क्या हो गया ना? फायदा ये है कि कुछ दिन के बाद, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, एक मंथ के बाद, एक डेढ़ मंथ बोला है, और उसके बाद सिलेंडर का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। जो सिलेंडर आता है डायरेक्ट चलेगा मीटर से।